अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। वालेकुम सलाम बेटा, क्या नाम है अंकल जी? मेरा नाम मोहम्मद मकसूद है, लाहौर का रहने वाला हूँ। माशाल्लाह। और मैं बिल्कुल जद्दी पुश्ती क्षेत्र का रहने वाला हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मैं ये कहना चाहता हूँ वासफ अली जरदारी साहब को और मियाँ नवाज शरीफ साहब को, ये जौन सा हमारे पाकिस्तान के अंदर इतने मुसलमान बम धमाकों से मरे है, तो उनका जो हक बनता है, उनका पैसा बनता है, वो उनका वापस करें। आसफ अली जरदारी साहब को यह पैगाम देना चाहता हूँ, 462 अरब रुपया है जरदारी साहब के पास, तो बराए मेहरबानी करके वो पैसे पाकिस्तान का वापस करें। और ये पाकिस्तान की इमाम का पैसा है और वो पैसा वापस नहीं दिया, और अपने बेटे को ये लीडर बना रहा है। ये किसका लीडर बना रहा है? इन्होंने हाकम अली जरदारी साहब का बेटा है ये आसफ अली जरदारी, इन्होंने पाकिस्तान की पीपल पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया है। ये बिल्कुल दवा सलाम के लायक नहीं है। जैसे मुल्ताफ गए ऐसे इसको भी निकालना चाहिए आसफ अली जरदारी को। और भाइयों, आपको पता है कि गरीब बंदा होता तो उसके पास 5 लाख रुपया भी बड़ा कीमत है, और 462 अरब रुपया है तो वो वापस दें पहले। ये आसफ अली जरदारी साहब आलुओं पे मिट्टी उतार रहे हैं, ये ना कोई काम करते हैं ना किसी को सपोर्ट करते हैं, यही कहते हैं भाई हमारा पैसा बन जाए। ठीक है, इनसे पूछो तो सही भाई, जौन सा तुमने कहा था भाई डॉक्टर आसम जौन सा सियासी लीडर है, किधर उनको शासन में किधर नाम है उनका, बताएं मुझे, मुझे बताएं। डॉक्टर आसम का जौन सा जयाउद्दीन का अस्पताल का मालिक है डॉक्टर आसम, उसने के पास 462 अरब रुपये है और वो तमाम जरदारी के पास है, और आधा पैसा उन्होंने मियाँ साहब को दिया है और आधा पैसा आप रखे, वो वापस पैसे दें पहले।